ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। अब हर कोई यही कह रहा है कि हरियाणा में महिलाएं महफूज नहीं हैं। ऐसे में गुड़गांव में एक मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत महिलाओं को मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सके। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। हरियाणा में जिस तरह से छेड़खानी और रेप की वारदात बढ़ रही है, उससे महिलाओं के लिए सबसे जरूरी सुरक्षा का सवाल बन गया है। यही वजह है गुड़गांव में बिल्डर्स की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग मिल रही है। ये देखिए कैसे महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत महिलाओं को मार्शल आर्ट के गुर सिखाए जा रहे हैं। महिलाओं के ट्रेनर विश्वास राव कहते हैं, ऐसी ट्रेनिंग महिलाओं के लिए बेहद जरूरी होती है, क्योंकि इससे महिलाएं खुद अपना बचाव कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, एक दूसरा ई टीजिंग के आप केसेस बहुत ज्यादा देखेंगे। दिन ब दिन आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स महिलाओं को हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स इनफैक्ट बढ़ रही है। तो हमारा ये मानना है कि ये चीजें प्रिवेंट की जा सकती है, इन्हें टाला जा सकता है। हमारा ये जो पूरा ट्रेनिंग है वो इसी पे एम करता है कि हम लोग प्रिवेंशन कैसे करें। इट इज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा जो ये काम है ये हम इस तरह से चलाते हैं कि इनको आज के ट्रेनिंग के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं अकेले बाहर जा सकती हूं। मार्शल आर्ट सीखने वाली महिलाएं भी इस मुहिम से बेहद उत्साहित नजर आई। महिलाओं के मुताबिक इस ट्रेनिंग से उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। ये थोड़ी ना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए हम आए हैं यहाँ पर आज। और आजकल आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे पूरे हरियाणा में एनसीआर में हर जगह ईव टीजिंग चल रही है और महिलाओं को छेड़ा जाता है। इसलिए जिस तरह हमें अपना बैग एक्सेसरी की तरह चाहिए, जिस तरह कपड़े पहनते उसी तरह इसी ट्रेनिंग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं हम। इसी तरह हर महिला के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए जिनमें उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़े तो वो कर सकती है। ये तो बेसिक नीड है ये वुमेन्स के लिए, क्योंकि जब तक आप आजकल क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, और ये जरूरी नहीं है कि टीनेजर्स के लिए लड़कियों के लिए ही जरूरी है, जबकि मैं समझती हूँ कि जैसे दिल्ली में इतना क्राइम होता है ओल्ड एज 60-65, उन लेडीज को तो और जाके ये ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अपना सेल्फ मतलब आप किस तरह से अपना बचाव कर सकें सामने वाले से। सुरक्षा के लिहाज से गुड़गांव में बिल्डर्स ने कई और कदम भी उठाए हैं। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी हरकत पर नजर रखी जा सके, और इस मुहिम का इकलौता मकसद किसी भी अनहोनी से बचाना है। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।